देश की जानी मानी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपने बेहद पॉपुलर हैचबैक कार अल्ट्रोस को नई हाई पावर इंजन के साथ लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, कंपनी इस कार में नया इंजन ऑप्शन जल्दी ही शामिल करेगी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक गुजारिश है कि प्लीज आप हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर फायदेमंद वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बात करें नए इंजन ऑप्शन की, तो टाटा मोटर्स अल्ट्रोस को नए 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करने वाली है, जो कि 118 bhp की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी की टाटा नेक्सॉन कार में भी यही इंजन दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा अल्ट्रोस में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो कि 85 bhp की अधिकतम पावर और 130 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें दूसरा डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो कि 89 bhp की मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ट्रांसमिशन से लैस है। बता दें कि हाल ही में टाटा अल्ट्रोस को नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, और भारत में टाटा अल्ट्रोस का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई एलाइट E20 से होता है। कीमत की बात करें तो भारत में टाटा अल्ट्रोस की कीमत करीब 2.15 लाख रुपीस से 5.50 लाख रुपीस के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, आपको पेट्रोल इंजन वाली कार्स पसंद आती हैं या फिर डीजल इंजन वाली, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।